मेरे चैनल पे और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्राफ मेकिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिनको जानने के बाद ग्राफ मेकिंग आपके लिए थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। आपका टाइम सेव होगा, आपका मेहनत सेव होगा और आपको कम ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहले हमें फंक्शंस की दुनिया में जाकर ये समझना होगा कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, और उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ प्लॉटिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन को हिंदी में सम फलन कहते हैं। किसी भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए अगर f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स की प्रॉपर्टी होल्ड करे, यानी x को जब हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन या फिर सम फलन कहलाता है। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, अगर हम इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी यही होगा, यानी इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, जैसे y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, जैसे y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, जैसे y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, जैसे y इज इक्वल्स टू sec x, ये सारे के सारे फंक्शन इवन फंक्शन है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये इवन फंक्शन की ग्राफ की प्लॉटिंग और उसमें टाइम सेविंग से इसका क्या लेना देना है। तो आइए समझते हैं कि जब हम इवन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिलती है जो अच्छे से समझ लेने के बाद ग्राफ प्लॉटिंग में हमारा आधा समय बचाती है। इवन फंक्शन के ग्राफ को एनालाइज करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। सिंस इवन फंक्शन के लिए f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इट मीन्स अगर x इक्वल टू हम 1 पुट करें तो f माइनस 1 f 1 के इक्वल होगा, x इक्वल टू 2 पुट करें तो f माइनस 2 f 2 के इक्वल होगा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इक्वलिटी होगी। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो y की वैल्यू हमें 1 मिलती है, अगर x इक्वल टू माइनस 1 पुट करें तो भी हमें y की वैल्यू 1 ही मिलती है। दिस इज फॉर x इक्वल टू 1 एंड दिस इज फॉर x इक्वल टू माइनस 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो x इक्वल टू 1 पे हमें जो वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू माइनस 1 पे भी हमें वही वैल्यू मिलेगी। f माइनस 2 भी f 2 होगा, यानी इस फंक्शन के एग्जांपल में देखें तो अगर x इक्वल टू 2 पुट करें तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 2 पुट करें तो भी हमें y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमें जितनी वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग भी हमें उतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही है। इसमें यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि सिंस f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स है इस इवन फंक्शन के लिए, यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमें y की जो भी वैल्यूज मिलेंगी, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हमें y की एकदम वही वैल्यूज मिलेंगी। इट मीन्स ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में बनेगा ठीक वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनेगा। तो सबसे पहली चीज समझने वाली और याद रखने वाली है वो ये कि किसी भी इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिसिटी आपको इस वर्ल्ड में कई जगह देखने को मिल सकती है। किसी इंसान का चेहरा भी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लगभग सिमेट्रिक होता है। जो बटरफ्लाई होती है उसको भी अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट उसके शरीर के शेप को देखेंगे तो आपको सिमेट्रिक मिलेगा। कई सारी पत्तियां और कई सारे डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं। सर्किल सिमेट्रिक है, पैराबोला ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आप दूसरे एग्जांपल्स में भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू मॉड x का जो ग्राफ होता है ये भी एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन होने के साथ साथ इसका ग्राफ देखिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर आप y इज इक्वल्स टू कॉस x का ग्राफ देखेंगे
तो जो cos x का ग्राफ होता है वो भी इवन फंक्शन होने की वजह से y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में बनता है ठीक वैसा ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनता है। और आइए अब देखते हैं इवन फंक्शन के पार्टनर यानी कि ऑड फंक्शन को। ऑड फंक्शन को हम हिंदी में विषम फलन कहते हैं। अगर किसी भी फंक्शन के लिए f माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस fx की प्रॉपर्टी होल्ड करे तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू x ऑड फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू x क्यूब एक ऑड फंक्शन है। अगर इसमें हम x को माइनस x से रिप्लेस कर दें तो ये माइनस x होल क्यूब होगा यानी ये माइनस x क्यूब हो जाएगा। तो एक पूरा पूरा माइनस अगर बाहर आ जाए तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। और भी इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x एक ऑड फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू 1 बाई x ये भी एक ऑड फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू 10x ये भी एक ऑड फंक्शन है। अब इस ऑड फंक्शन का ग्राफ की प्लॉटिंग में टाइम सेविंग से क्या लेना देना है उसके लिए हम एक बार फिर से किसी भी एक ऑड फंक्शन के ग्राफ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑड फंक्शन के ग्राफ को एनालाइज करने के लिए y इक्वल टू साइन x का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंस किसी भी ऑड फंक्शन के लिए f माइनस x माइनस fx होता है, इट मीन्स x की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए fx की जो भी वैल्यू होगी f माइनस x पे वही वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। जैसे अगर हम sin x का एग्जाम्पल लें तो sin माइनस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 होगा, यानी पाई बाई 6 पे जितनी भी वैल्यू हमें मिलती है माइनस पाई बाई 6 पे अब वही वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। इसका मतलब जैसे पॉइंट्स हमें यहाँ मिलेंगे ठीक वैसे ही पॉइंट्स हमें यहाँ मिलेंगे, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जैसे जैसे पॉइंट्स मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमें वैसे ही पॉइंट्स मिलेंगे। इट मीन्स जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ठीक वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और इसी तरह जैसा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ठीक वैसा ही ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। इस तरह की सिमेट्रिसिटी को कहा जाता है कि इस तरह के ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और जो ऑड फंक्शन है उसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि जैसा ग्राफ फर्स्ट में बनेगा वैसा थर्ड में बनेगा, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। आप देख सकते हैं जैसा ग्राफ फर्स्ट में बन रहा है ठीक वैसा ही थर्ड में, और जैसा सेकेंड में बन रहा है ठीक वैसा ही फोर्थ में। तो दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें ये याद रखना है कि किसी भी ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आप दूसरे भी कई एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू x का ही एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, आप देख सकते हैं जैसा फर्स्ट में बन रहा है ठीक वैसा ही थर्ड में। y इज इक्वल्स टू 1 बाई x का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ठीक वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की ये इन्फॉर्मेशन ग्राफ बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को जान लेने के बाद और उनकी ग्राफ की सिमेट्रिसिटी देखने के बाद एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो हमें ग्राफ बनाने में बहुत हेल्प करती है, वो ये है कि अगर किसी भी फंक्शन में हम y को माइनस y से रिप्लेस करें और अगर उस फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो उस फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, जैसे मॉड y इज इक्वल्स टू x, इसमें अगर हम y को माइनस y से रिप्लेस करें तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इनके ग्राफ जब भी बनेंगे जैसे भी बनेंगे वो होंगे हमेशा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ही, क्योंकि इसमें हम x की जो भी वैल्यूज पुट करेंगे y के हमें करस्पॉन्डिंग दो दो वैल्यूज मिलेंगी, और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी दूसरी वैल्यू ठीक उतनी ही नेगेटिव होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर x के लिए y की जब हमें दो दो वैल्यूज मिलती चली जाएंगी और एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यूज नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स और अब सिमेट्रिसिटी का यूज करते हुए एक एग्जांपल देखते हैं। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 1, इसका ग्राफ मैंने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था, वहाँ हमने
इसकी प्लॉटिंग के लिए 4 केस बनाए थे और काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें इसका ग्राफ मिला था। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन में हम x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, तो सिंस मॉड माइनस एक्स मॉड एक्स और मॉड माइनस वाई मॉड वाई ही होता है, इट मीन्स इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जैसा भी बनेगा वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और वो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो इसमें अगर हम सिर्फ एक केस कंसिडर करें, वेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी जब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो मॉड x को ब्रेक करके x लिखेंगे और इसी तरह से मॉड y को ब्रेक करके भी y लिखेंगे। यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन। अब अगर हम इसको प्लॉट करें, y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे प्लॉट होता है, प्लस वन करेंगे एक यूनिट ऊपर जाएगा और इस तरीके से बनेगा। लेकिन इस ग्राफ का हमें सिर्फ वही पोर्शन लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। और अब इसमें हम सिमेट्रिसिटी का ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि इसका ग्राफ बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनने वाला है। तो सबसे पहले आप इसे वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करिए और फिर इस पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सिमेट्रिसिटी का यूज़ करते हुए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को बहुत ही कम टाइम में बनाया जा सकता है। तो ग्राफ के यहाँ तक के सफ़र में हमने बेसिक फंक्शंस के ग्राफ देखे, ग्राफ के शिफ्टिंग के रूल्स देखे, ग्राफ के रिफ्लेक्शन के रूल्स देखे और कुछ टिप्स ट्रिक्स भी देखे। अब आने वाली वीडियोस में हम इन सभी पर बेस्ड कुछ बेहद ही अच्छे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट्स के ग्राफ, जैसे मॉड वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स या वाई इज इक्वल्स टू एफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, उन्हें देखेंगे। और इनमें पिछले पढ़े गए सभी कॉन्सेप्ट्स को, जिनमें शिफ्टिंग के रूल, रिफ्लेक्शन के रूल और ये सिमेट्रिसिटी के रूल्स, उनको अप्लाई करेंगे ताकि आपका ग्राफ इफिशियंटली और कम टाइम में बन पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मेरी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई।